चला गया, लेकिन मेरा नाम लिखा था उसने, मेरा नाम लिखा था कि उसकी आ गई थी और मेरे हाथ से आ गई थी, तो वो चली गई। लेकिन नहीं नहीं प्लीज अभी बंद नहीं कीजिए, मुझे भी बोलना है। मैंने उसकी लाइफ इस तरह से सेव की कि मैंने उसके लिए ब्लड बुलवाया, मैंने उसकी बचना नहीं निकाली, उसको मैंने उसको बचा लिया। तो मैंने रात को 11 बजे मेरे हस्बैंड से बोला कि आप हैं तो इसलिए मैंने मरीज को बचा लिया, अगर आप नहीं होते तो मैं अपनी इस मरीज को मैं खो देती। तो मैं बहुत खुश थी, रात को मैं निश्चिंत होकर सोई थी। सुबह 8 बजे इसका ब्लड प्रेशर हल्का सा कम मिला, तो मैंने कहा नहीं यार, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं रहना चाहिए किसी भी डॉक्टर को। उसको सेफ्टी अपन इसलिए भेज देते हैं कि अगर फ्रेश ब्लड लगना होगा तो वो लग जाएगा, कई बार ब्लीडिंग हो जाती है तो व्हाइट ब्लड लगना होगा तो वो लग जाएगा, और उसका शायद उसकी अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम भी है जो कि कई बार नहीं पता चलती लेकिन बाद में निकलती है मेडिकल प्रॉब्लम, तो वो पता चल जाएगी। तो इसलिए मैंने उसको टाइमली यहाँ से भेज दिया। मेरा पर्पज उसको रेफर करना बिल्कुल भी नहीं था कि मैंने रेफर कर दिया तो बिगड़ गया इसलिए रेफर कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब अगर बिगड़ता तो 2 घंटे बाद और मैं उसको भेजती, लेकिन मैंने तो 3 घंटे पहले उसको भेज दिया यहाँ से। यहाँ से पूर्ण स्वस्थ गई, 100% सेफ गई है यहाँ से। मतलब उस चीज को एक्सप्लेन कर पाना, प्लस परसेंट ही है। 6 घंटे से बीपी 50 है, मतलब जब बीपी क्यूटी नहीं है, मतलब 6 घंटे तक लो में आप रखें। हाँ लास्ट में है कि भाई आदमी को देता है कि हटा दिया जाए, हम दूर कर, कम से कम हमारा नाम तो नहीं हो, ये कोशिश। बाकी तो चाहती तो हमको 12 बजे रेफर कर देती, तो संस्कार अनुसार आज तो करने पड़ेगा। चीज है नहीं, नहीं बात है, अपन नहीं ये मान ही ले सकते, हम बताएंगे ना, है ना, किसी की मान नहीं दे सकते अपन। बाकी सब चीज़ हो जाए, अगर ये मांगे हमसे कि बेटा मेरी मम्मी कहाँ पापा, तो मेरे पास जवाब नहीं, मैं दुनिया दे दूंगा इसको, मान नहीं दे सकता।